हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आयरिश मुडो के फेमस नॉवल द सैंड कैसल की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये नॉवल आयरिश मुडोक ने 1957 में पब्लिश किया था। ये स्टोरी है मिडल एज स्कूल टीचर बिल मोर की, जो कि एक पब्लिक स्कूल के अंदर हिस्ट्री और लैटिन भाषा के टीचर हैं। इनकी शादी हुई है इनकी वाइफ नैन मोर से। इनके दो बच्चे हैं, फेलिसिटी मोर और बेटा है डोनाल्ड मोर। मोर साहब जो हैं वो पॉलिटिकली एम्बिशियस है, वो लेबर पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी वाइफ इस विचार का विरोध करती है। ये अपने एक फ्रेंड के घर में डिनर पार्टी पर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक यंग आर्टिस्ट मिलती है जिसका नाम है मिस रेन कार्टर। ये फ्रांस की हैं और वो यहाँ स्कूल के अंदर इनके स्कूल की पुरानी प्रिंसिपल डिमोटी का पोर्ट्रेट बनाने आई हैं। अब मोर जो है वो रेन कार्टर में इंटरेस्टेड होता है और वो उसे टाउन दिखाता है। जब वो उसको टाउन दिखा रहा होता है तब टीम बर्क, जो कि बिल मोर का एक फ्रेंड है, वो इन दोनों को सपोर्ट कर लेता है और वो सोचता है कि इन दोनों के बीच में एक अफेयर चल रहा है। ऐसे ही एक बार वो रेन कार्टर को पास में बहती हुई नदी दिखाने जाता है। बिल मोर के पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, रेन कार्टर उसे अपनी कार चलाने देती है। रफ रास्ता होता है, उबड़ खाबड़ रास्ते में कार फंस जाती है और वो घर में बहुत लेट आता है। लेकिन बिल मोर अपनी वाइफ नैन मोर को इस बारे में कुछ नहीं बताता है। नैन मोर अपनी बेटी फेलिसिटी मोर के साथ एक हॉलीडे मनाने डोरसेट चली जाती है। पीछे से इन दोनों की लव अफेयर चलती रहती है। नैन मोर जब लव अफेयर से जल्दी वापिस आ जाती हैं तो वो हॉलीडे से जब जल्दी वापिस आती हैं तो वो क्या देखती हैं कि मोर जो है वो रेन की गोद में सर रखकर बैठा है। गुस्से में आकर दुखी होकर नैन बिलमोर के फ्रेंड टिम बर्क के पास जाती हैं। पहले तो दोनों में थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है लेकिन बर्क उसे कहता है कि तुम वापिस अपने हस्बैंड के पास जाओ, अपनी रिलेशनशिप खराब मत करो। बिल किसी भी कीमत पर रेन कार्टर को जाने नहीं देना चाहता। रेन कार्टर अपने वर्क्स की एक पेंटिंग के एग्जीबिशन के लिए लंदन जाती हैं और वो उसके पीछे पीछे लंदन चला जाता है। इसी बीच अचानक मूर का बेटा जो डॉन है वो उसी स्कूल में पढ़ता है जहां मूर टीचर है। वो स्कूल के टावर पर चढ़ जाता है अपने फ्रेंड के साथ और गिरने ही वाला होता है कि बिलमोर आकर उसे बचाता है। शर्मिंदा होकर डोनाल्ड अपने घर से कई दिनों के लिए भाग जाता है और कई दिनों बाद वापिस आता है। वहां पर एक फंक्शन रखा जाता है स्कूल में, क्योंकि डोनाल्ड तो अभी है नहीं, वो फंक्शन रखा जाता है जो रेन कार्टर ने डिमिटी की पेंटिंग बनाई है उस पेंटिंग की ओपनिंग की जाती है। उस गैदरिंग में, उस भीड़ के अंदर नैन मोर पब्लिकली सबके सामने बिल मोर के जो वो पॉलिटिकल विचार है कि वो लेबर पार्टी का कैंडिडेट बनना चाहता है उनका समर्थन करती है। रेन कार्टर को जब ये पता चलता है कि बिल मोर तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो वो सोचती है कि मैं इसकी एम्बिशंस के बीच में नहीं आऊंगी और वो चली जाती है। जाने से पहले वो सारी रात बैठकर डिमोटी का जो पोर्ट्रेट है उसको पूरा करती है और उसके बाद वो फ्रांस के लिए निकल जाती है। डॉन वापिस अपने घर आ जाता है और यहाँ पर यह नॉवल एंड होता है। आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।